ब्रैकेट में 3^-7 डिवाइडेड बाय 3^-10 मल्टीप्लाई 3^-5। इसका देखिए कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें डिवाइड कर लीजिए पहले 3^-7 अपॉन 3^-10 मल्टीप्लाई 3^-5। अब आप आइडेंटिटी एक जानते हैं, पावर सेम हो, बेस सेम हो, तो यानी ए के पावर एम अपॉन ए के पावर एम, इसका होता है ए के पावर एम माइनस एन, एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी टाइम में करिए, तो 3^-7 माइनस, ये माइनस का 10 है तो यहाँ माइनस का 10 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 3^-5। अब इसका कैलकुलेशन किया जाएगा, तो 3^-7 माइनस प्लस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 10 मल्टीप्लाई 3^-5। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 3^+ का 3 आएगा, 10 प्लस पॉजिटिव है या निगेटिव है, फिर मल्टीप्लाई 3^-5। अब फिर एक आइडेंटिटी होती है, यानी ए के पावर एन मल्टीप्लाई ए के पावर एम, बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, ए के पावर एम प्लस एन, तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो आएगा आपका 3^3 प्लस ब्रैकेट में माइनस 5, इसके पावर निगेटिव है तो माइनस का 5। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 3^3-5। अब इसको माइनस किया जाएगा तो 3^-2 होगा, जबकि एक्स बोल रहा है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाएंगे तो 1/3^2 आपका ये आंसर होगा।